Hey everyone, this is Vinaya Fatah. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my daily videos. So before we start the video, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारी वीडियो सिर्फ 30% लोग देखते हैं, बाकी 70% लोग देखते ही नहीं यार। और वीडियोस बनाने का फायदा ही क्या है? आप लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे तभी हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे ना। तो होपफुली आज के बाद आप लोग हमें करेंगे अप्रिशिएट और हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे अच्छे और मज़ेदार वीडियोस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पेंटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स यूज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया कि हम लोग पेंटिंग के टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग इस थ्रेड के साथ करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पोस्टर पेंट और मैं करने वाली हूँ इस थ्रेड को पोस्टर पेंट के अंदर डिप। हम पूरे थ्रेड को इस पोस्टर पेंट के अंदर डिप करेंगे। तो पूरे थ्रेड को इसमें डिप करने के बाद सेम हमने ब्लू कलर का पोस्टर पेंट किया और उसमें भी थ्रेड को ऐसे ही डिप करके हमने तैयार कर लिया। इस पहले एक्सपेरिमेंट हम ये दो कलर्स यूज करेंगे। दोनों कलर्स हमारे पास तैयार हैं। सबसे पहले हम इस ब्लू कलर में से धागा निकालेंगे। ये धागा पेंट में से निकालने के बाद इस थ्रेड को हम लोग स्केचबुक के ऊपर रैंडमली रख देंगे। सेम प्रोसेस हम लोग इस येलो वाले थ्रेड के साथ भी करेंगे। तो ये रहे दोनों हमारे थ्रेड्स। और भी यहाँ पे मैंने एज पे बिल्कुल छोटा सा पीस रखा हुआ है ताकि मैं इजीली इसको खींच के बाहर निकाल सकूँ। यहाँ हम करेंगे स्केचबुक को बंद और थ्रेड के एजेस को पकड़ते हुए हम उसे खींचेंगे बाहर की तरफ। ये हमने निकाला पहला धागा, अब दूसरा धागा निकालेंगे। यहाँ पे हमने दोनों धागे निकाल लिए बाहर। यानी गैसेस गाइस के डिजाइन कैसा बनेगा? तो ये देखिए गाइस, डिज़ाइन कुछ ऐसा बना और ये स्केचबुक के दोनों साइड पे एक ही डिज़ाइन बना। ये इतना सेटिस्फाइंग नहीं था, सोचा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। इस बार मैंने लिया ब्लैक पेन और धागे को इसमें डिप किया। और यहाँ पे धागा निकालते हुए आप देखें मैं किस तरीके से धागा निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हमारे पास थ्रेड के साथ ज़्यादा कलर निकल आया था जिसकी वजह से कलर फैल गया था। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि थ्रेड के साथ ज़्यादा कलर ना आए और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस थ्रेड को हम लोग स्केचबुक के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमने किया स्केचबुक बंद और स्केच को एक साइड से खींच लिया। एनी गेसेस गाइस कि अब डिज़ाइन कैसा बनेगा? होप फॉर द बेस्ट। सो 1, 2 एंड 3 लेट्स ओपन इट एंड टा-डा! तो दोस्तों, इस बार हमारा ट्रिक काम कर गया। अब आते हैं हम यहाँ पे सेकंड टेक्निक की तरफ, जिसमें पेपर के ऊपर पेंट गिरा के कोई ना कोई डिज़ाइन बनाया जाता है। अगर हमसे पेंट किसी पेपर पे गिर रहा है तो हम ऑब्वियसली उसको डस्टबिन में डालेंगे, पर ऐसा नहीं। पेंट गिरे हुए पेपर को कैसे यूज़ में लाना है चले ट्राई करते हैं। जब पेपर के ऊपर पेंट गिर रहा है तो उसको पहले ड्राई होने के लिए रखते हैं और कोई भी रैंडम उसको ऊपर स्केच कर लें। तो दोस्तों, आप बताओ ये कैसा लग रहा है? अब हम यहाँ पे आते हैं अपने थर्ड टेक्निक पे और हम इस थर्ड टेक्निक को करने वाले हैं एक शॉपर से। हाँ जी, एक शॉपर से। तो इसके लिए हमें इस शॉपर में थोड़ी सी हवा भरनी होगी और ये जो आपको एज नज़र आ रहा है इस पे हम लोग करेंगे पेंट। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एक रेड सा फ्लावर के साथ ऐड करेंगे हम छोटे से लीव्स, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन कलर। और जिस सरफेस पे आपने पेंट किया है उस सरफेस को आप स्केच बुक के ऊपर रखेंगे और उसको प्रेशर देंगे थोड़ा। ये टेक्निक तो हमारी फेल हो गई। चलो मैं खुद ब्रश से इसको फ्लावर का शेप दूँ। तो इससे आप लोग गेस कर सकते हैं कि इंटरनेट पर जो हर चीज़ दिखाई जाती है वो रियल नहीं होती। मैंने सोचा इस टेक्निक को रिजेक्ट करने से पहले को ट्राई दिया जाए। ले लिए यहाँ पर दूसरा शॉपर और फिर सेम इसी के ऊपर रेड और ग्रीन पेंट मैंने अप्लाई किया। आप लोगों को क्या लगता है क्या इस बार ये काम करेगा? एंड यू कैन सी इसने अपना थोड़ा बहुत ज्यादा दिखा दिया। शायद मैंने पेंट कम यूज किया। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो क्या आपने पहले ऐसी कभी टेक्निक्स ट्राई किए थे? अगर नहीं तो फटाफट से जाकर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। होपफुली आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट DIY के साथ।